Good morning, NGO friends. This is Hari Mohan Govil, Chartered Accountant. मैं आपको पता है पिछले भी वीडियोस में आपको NGO के ऊपर जानकारी देता रहा हूँ. जैसे कि आप सबको पता है अभी नया बजट आया है 2020 का, तो हमारी सरकार ने NGOs के लिए कुछ नए प्रोविजंस डाले हैं. मैं उनसे आपको अपडेट करना चाहता हूँ. NGOs के लिए जैसे हम जानते हैं कि कुछ रजिस्ट्रेशन हमको कराना बहुत ज़रूरी होते हैं, लाइक 12A एंड 80G. 12A 80G रजिस्ट्रेशंस उनमें से एक हैं जिनके ऊपर बहुत सारी एग्जेम्पशंस हमारे डिपार्टमेंट से हमें मिलती हैं, जो भी हमें बहुत बेनिफिशियल्स हैं. अगर हमारे पास वो बेनिफिट एग्जेम्पशंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो NGO सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. अब हम स्टार्ट करते हैं कि 12A और 80G के रिगार्डिंग इस बजट में क्या चेंजेस आए हैं. एक अक्टूबर 2009 से 12A और 80G अगर किसी के पास वैलिड थे तो वो कंटिन्यू हो रहे हैं विदाउट एनी रिन्यूअल. लेकिन अब की बार बजट में सरकार ने कहा है कि ये 5 साल के अंदर आपको रिन्यू कराने पड़ेंगे. हर 5 साल पर आपको रिन्यू कराने पड़ेंगे. अगर किसी ने फरवरी मंथ में भी 80G 12A लिया है तो वो हमारा वन टाइम नहीं होगा, जैसे कि पहले होता था वन टाइम नहीं होगा. अब वो हर 5 साल पे उसको रिन्यू कराना पड़ेगा जब से ये बजट एप्लीकेबल होगा 1 जून 2020 से. उस दिन से हमको 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा से 80G 12A के रिन्यूअल के लिए. बेशक आज तक जो भी 80G 12A हैं हमारे पास वो वन टाइम है जब तक वो कैंसिल ना किए जाए सरकार की तरफ से. लेकिन अब नए बजट के अकॉर्डिंग हमें प्रत्येक जून 2020 से लेके 31 अगस्त 2020, यानी 3 महीने के अंदर अंदर हमको अप्लाई करना पड़ेगा. और बाई चांस अगर हम उसको अप्लाई, जैसे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो सोच के बैठे हुए हैं कि ये तो हमारा एग्जिबिशन सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है वन टाइम है, लाइफ टाइम है. अगर उसने अप्लाई नहीं किया किसी गलती के कारण इन 3 महीनों के अंदर अंदर, तो वो कैंसिल हो जाएगा. और उसके कैंसिल होने के भयंकर परिणाम होंगे. भयंकर परिणाम ये होंगे, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी इमूवेबल असेट्स हैं, वो सारी रीवैल्यू की जाएंगी. रीवैल्यू होते ही उनकी जो भी वैल्यू होगी उस पर हैवी टैक्सेस उसको पे करने पड़ेंगे. ये इम्प्लीकेशंस हमारे को आएंगी 80G 12A अगर हमने अप्लाई नहीं किया इन 3 महीनों, 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक के लिए. अब सरकार की इसके पीछे मंशा ये रही है कि बहुत सारी NGOs हैं जो सरकार से ये एग्जेम्पशंस ले लेती हैं और ठीक से काम करती नहीं है. पिछले 20-20 सालों से लोग एग्जेम्पशंस लेकर के बैठे हुए हैं और मतलब उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं. इसके पीछे शायद यही मंशा रही है सरकार की. अच्छा, जब हम पहले 80G 12A लेने के लिए अप्लाई करते थे तो हमें एक्टिविटीज का प्रूफ देना होता था. हम भारत के कई हिस्सों में NGOs के लिए 80G 12A के लिए काम कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से. हर एप्लीकेशन के पीछे हमें प्रूफ देने होते थे कि हम क्या एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज हमने की हैं. अब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने के लिए फंडिंग की कमी हर NGO को महसूस होती थी, जिसके कारण से वो ना तो एक्टिविटी कर पाती थी पैसे की कमी के कारण से और ना ही प्रूफ देने में दिक्कत आती थी. इसलिए 80G 12A नहीं मिलते थे. जब 12A 80G नहीं मिलते थे तो पैसा नहीं मिलेगा, एक्टिविटी मतलब फंडिंग नहीं होगी कहीं से भी. फंडिंग नहीं होगी तो फिर वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो 12A. ये एक ट्राइंगल बना हुआ था जिसके कारण से सभी NGOs को प्रॉब्लम था. अब की बार सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है. सरकार ने कहा है कि आपको एक 3 साल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम दे देंगे, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे देंगे, और जिस दिन वो 3 साल पूरे होने वाले होंगे उससे 6 महीने पहले आप अप्लाई कर दीजिए, सो दैट
जिस दिन वो एक्सपायर होगा 3 साल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपको एक परमानेंट 5 साल के लिए एटीजी 12 का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसमें आपको एटीजी प्रूफ, चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रूफ करनी होगी, अपने प्रूफ देने होंगे सारे। तो बिना एक्टिविटीज किए हुए, चैरिटेबल एक्टिविटीज किए हुए भी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। एक और नया चेंज लेकर के आई है सरकार कि जितना भी आप डोनेशंस लेते हैं उन सब की रिपोर्ट आपको विद इन ड्यू टाइम आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी डोनेशंस की, जिससे आपने जिन जिन लोगों से डोनेशंस लिए हैं वो लोग अपनी रिटर्न्स में उसको एग्जेम्पशंस मांगेंगे, उस पर आपकी मैचिंग उनसे की जाएगी, ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा वो, तो उनको एग्जेम्पशंस मिल जाएगी। और अगर किसी डोनेशन की आपने डिटेल नहीं दी या गलत दी तो उसके ऊपर 200 रुपये पर डे की पेनल्टी आपको डाली है सरकार। इस बार ड्यू टाइम में आपको डोनेशंस की डिटेल देनी होगी। ऐसे कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने जो कि अच्छे भी हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी ये हो गई है 5 साल के अंदर अंदर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट करना मेरी जिम्मेवारी है आपको कि जिन लोगों के पास एक्जिस्टिंग एटीजी 12 में नंबर होल्डर्स हैं, मतलब जो एग्जिमिशन होल्डर्स हैं, और वो अप्लाई करने से भूल ना जाएं इन 3 महीनों के अंदर, जिससे कि उनके एटीजी 12 कैंसिल होने से बच जाए। अगर आपको मेरी जानकारी कुछ इम्पोर्टेंट लगी है तो आप सब्सक्राइब ना करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।